राम राम, नमस्कार सभी को। मैं मोहित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। सामने आप देख पा रहे हैं पुराने समय की जो चीज़ें हैं, अगर मैं बात करूं तो यहां पे लिखा हुआ है किसी भी वस्तु को छूना मना है। हालांकि पुराने समय में इन चीज़ों को अच्छे खासे तरीके से लोग अपने घरों में यूज लेते थे, लेकिन जैसे जैसे विकास बढ़ता चला गया हम इन चीज़ों से दूर होते चले गए। लेकिन आज भी कुछ जगह इन चीज़ों को उसी प्रकार रखा गया है। सामने आप देख पा रहे हैं चरखा, इस तरफ देखिए एक एक चीज़ें, और इस तरफ पुराने सिक्के, किस प्रकार प्रेस की जाती थी पुराने समय में, किस प्रकार ढोल से कुएं से पानी निकाला जाता था, छाज, अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं हैं आप देख सकते हैं, नोट फॉर सेल, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही कम रेयर जगह पर मिलती हैं। अगर मैं बताऊं तो जो पुराने प्रकृति से या पुरानी विचारधारा से जो लोग जैसे जैसे अलग होते गए, तो उनमें से कुछ लोगों ने इन चीज़ों को अपने घरों में सुरक्षित रखा। और देखिए किस प्रकार एक एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। अगर आप इनके बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, आपके पास भी इन चीज़ों का स्टॉक है, तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और क्या क्या चीज़ इनमें आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो देखिए ये देगचियाँ होती थी, इनमें पुराने समय में जो है घरों में सब्जियाँ बनाई जाती थी। और ये देखिए ऊंट, और उस पर उस साइड देखिए किस प्रकार पुरानी जो चीजें थी, और पीछे आप पुरानी वेशभूषा को भी देख सकते हैं। विरासत के साथ एक मुलाकात, विरासत को सहज का एक छोटा सा प्रयास, जैविक भोग। तो देखिए अगर मैं वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं, तो मैं सोनीपत के पास में एक जो मेला लगा हुआ है JTC ट्रेड, तो वहां पे मैं मौजूद हूँ। अगर मैं बात करूं हम इन चीज़ों से जैसे जैसे दूर हुए, उन चीज़ों का हमें दुष्परिणाम भी देखने को मिला है, जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती नज़र आती हैं आप सभी को। ये देखिए, तो ऐसी कुछ जानकारियां जानने के लिए फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पर बने रहें। चरखे की अगर मैं बात करूं तो जिससे सूत काटा जाता था, वो देखिए वहाँ पे चरखे से किस प्रकार जो धागे को एक अच्छा रूप दिया जाता था। तो ऐसी कुछ जानकारियाँ जानने के लिए फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पर बने रहें। जानकारी पसंद आई तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। क्या आप भी इस जगह पे पहुँचे हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं। अगर मैं बात करूं तो लोग देखिए किस प्रकार इन चीज़ों को देख रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, लेकिन पुराने समय में ये सब चीज़ें लोगों के घरों में हुआ करती थी।